प्रोग्राम हमने अरेंज किया था कश्मीर के यौम इस्तेसाल के मुनासिबत से। कश्मीरी हमारे भाई बहुत बड़ी तादाद में आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर रह रही है उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको पता है कि 2019 में इंडिया ने जो इलीगल और एक तरफा इकदाम किए हैं उसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हुई है, और इसमें इंडिया जो इकदाम ले रहा है उसकी स्पेशली इंडियन फोर्सेस उसके वजह से ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट हुए हैं, और ये दुनिया की जो इंटरनेशनल मीडिया है दे हाईलाइटेड इट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड इट, और यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स उन्होंने दो रिपोर्ट्स जारी किए थे 2018 और 2019 में, और वो बिल्कुल डिटेल्ड हैं और उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन द कश्मीर वैली। तो ये इसके बावजूद हम अपना इसको हाईलाइट करते रहेंगे।